देखिए दोस्तों, मैं आज गुलाब जामुन बना रही हूँ। गुलाब जामुन के लिए जे मैंने मावा लिया है, मावा 1 किलो मावा है, और जे मैंने शक्कर ली है, शक्कर भी 1 किलो से ज़्यादा है। इसमें दाल डाल ली है और उसकी चाशनी बना रही हूँ। 1 लोटा पानी डाला है इसमें और इसको चाशनी बना के रख रहा है। और ये मैंने मैदा लिया है, मैदा इसमें डालने के लिए। अच्छा दादी माँ, ये बताइए कितना हिस्सा आपको मैदा लेना चाहिए, कितने हिस्सा आपको मावा लेना चाहिए? 1 किलो में। अच्छा, आपको मावा चाहिए पड़ेगा फ्रेंड्स? हाँ, 1 किलो मावा में आपका 250 ग्राम मैदा लगेगा। 1 किलो में 250 ग्राम मैदा लगाएंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए मैंने शक्कर इसमें डाल दी है और इलायची पाउडर जो है जो अभी मैं शक्कर के इसमें डाल रही हूँ, जो चाशनी बना रही है खुशबू के लिए। ये मैंने इसमें डाल दिया है, इसको चाशनी बनाएंगे। और जो मैंने मैदा लिया है इसको मिक्सा करने के लिए, आप चाहो तो किसनी से भी ऐसे एक सा कर सकते हो जिसमें कि अच्छी मिक्स हो जाती है। देखिए इसको अच्छी तरह किसनी से ऐसा कर लेंगे जिसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा मावा। जो मेरा ताज़ा मावा है, ना भी करो तो ठीक है, फिर भी अगर आपका थोड़ा कड़ा हो तो ऐसा कर लेना चाहिए। देखिए कितना नरम अच्छा हो जाता है, इसमें कोई तरह के गुठली नहीं है, इसलिए मेरे को जरूरत नहीं। इसमें मावा रखा हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो दादी माँ ग्रेटर से उसको ग्रेट कर देंगे जिससे वो सॉफ्टनेस आ जाए। नहीं करो तो करो, नहीं तो नहीं करो, अपना तो नरम मावा है ना। ये देखिए ऐसी चन्नी भी से भी ले सकते हैं, तो ये देखिए आप चन्नी भी ले सकते हैं। ग्रेट करने के बाद कितना सॉफ्ट है, ऐसा कर लेते हैं। देखिए इस चन्नी से भी कर लिए, और मेरा मावा बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए दोस्तों, मैंने ये मावा ले लिया है और अब इसको मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छी तरह हो गया है। और ये मैंने 1 किलो शक्कर ली थी, वो इसको चाशनी बना। ये देखिए पूरा ग्रेट करने के बाद कुछ इस तरह से सॉफ्टनेस आ चुकी है मावे में, यानी कि जिसे हम खोया भी कहते हैं। और मैंने इसमें अब मैदा मिला लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह मैदा मिक्स करना। आप देख रहे हैं एक साइड चाशनी हमारी तैयार हो रही है और दूसरी साइड ये गुलाब जामुन बनाने के लिए मिक्सर तैयार हो रहा है। देखो चाशनी हो चुकी है, ये देखिए ऐसा देख लेना चाहिए, जी हो गई है चाशनी। मैं इसको उतार कर दूसरे गैस पर रख देती हूँ, ये बंद है, इस पर रख दी है। जो कढ़ाई मैंने ली है, अब मैं इसमें तेल में बना रही है कि घी में? घी में, गाय के घी में। तो गाइस आप सभी लुत्फ़ उठाइए शुद्ध देसी घी के गुलाब जामुन। ये देखिए मैंने ये गाय का घी लिया है, पतंजलि का गाय का घी है। इसमें मैंने इसको अच्छी तरह गर्म होने दें, और जो मैंने गुलाब जामुन में मैदा अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मैं इसकी गोली बना लेती हूँ। गोली ऐसे बनाना चाहिए, फटना नहीं चाहिए बिल्कुल, ऐसे अच्छी तरह मिक्स करके बिल्कुल फटना नहीं चाहिए, जिससे कि अच्छे बन जाते हैं। घी को अच्छा गर्म होने चाहिए, गर्म होना चाहिए। देखिए मैं घी गर्म कर रही हूँ, और ये मैंने घी गर्म कर लिया है। अब मेरा घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक छोटी सी गुलाब जामुन डाल के ऐसे देखती हूँ, इसमें हो जाती है। जो मैंने देखी है पहले जो हो चुकी है, मैंने और फिर डाल के देख रही हूँ, फिर मैं इसमें सारी गुलाब जामुन डाल दूँगी। ये हो चुका है, नहीं फूट रही है, अच्छी तरह बन गई है। मैं इसमें ये गोले डाल देते हैं, इसको फिर गैस को मद्दा कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, और गुलाब जामुन को अच्छी तरह होने देंगे मद्दे में। हमें बहुत अब इसको हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर मैंने ये गुलाब गोले डाल दिए हैं, अब मैं इसको अब हिला नहीं रही, थोड़ी देर में हिलाएंगे जिसमें कि ये टूटे नहीं। देखिए कितनी अच्छी हो रही हैं, अच्छे से बिल्कुल सिलो से हिलाएंगे जिससे कि ये टूट ना जाए, बहुत अच्छी नरम नरम बन रही हैं। अच्छी स्लो गैस स्लो कर दूँगी मैं, देखिए कितनी अच्छी सुंदर सुंदर गुलाब जामुन बन रही हैं। देखिए थोड़ा हिलाना कम है, नहीं तो टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट नरम गुलाब जामुन है, इसलिए सिलो सिलो हिला रहे हैं।
देखिए दोस्तों, ये मैंने डो बना लिया है और मैंने इतने गुलाब जामुन बना लिए हैं। ये मेरे बन गए हैं, कितने अच्छे नरम गुलाब जामुन बन चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे नरम हैं, आप भी देख लीजिए कितने अच्छे हैं। मैं इसमें निकाल कर रख लेती हूँ, अभी बहुत गर्म है। देखिए इसको कितने अच्छे नरम बने हैं। देखिए इसको तोड़ने से भी देखिए कितनी अच्छी इसमें चाशनी अंदर घुस गई, कितनी अच्छी सॉफ्ट बने हैं, बहुत अच्छे स्वादिष्ट बढ़िया गुलाब जामुन बन गए हैं। अब मैं और बना रही हूँ अभी इसको। दादी मैं क्या मैं खा सकती हूँ? खा लो, स्वाद बने हैं बहुत अच्छे नरम नरम, बिना दांत वाले भी मुंह में घुल जाएंगे। बहुत गर्म है तो ये देखिए कितने स्पॉन्जी बने हैं। ये देखिए और लीजिए और खाइए, बहुत गर्म है, जीभ जल गई दादी माँ मेरी। तो जरा ठंडा करके खाइए ना, सबर करके, बहुत अच्छे बने हैं। देखिए मैंने बनाए ये गुलाब जामुन देसी घी के, बहुत अच्छे स्वादिष्ट गुलाब जामुन बने हैं। और ये एक गांव वाला आया था, वो मेरे को मावा दे गया, तो मैंने कहा चलो गुलाब जामुन बनाते हैं, तो आप लोगों को भी बना कर बताती हूँ। देखिए कितने अच्छे स्वाद गुलाब जामुन बने हैं। देखिए अभी दादू को खिला के आऊं? खिलाया ना, जाओ। ये गुलाब जामुन बन गई है, जो थोड़ी मध्य आँच पर सेकना पड़ती है उसको, अच्छे से तलना पड़ते हैं, घी अच्छा नहीं है। अच्छे गुलाब जामुन मैंने एक किलो मावा लिया है, एक ही किलो शक्कर ली थी, और इसमें 200 ग्राम मावा, एक किलो मावा और एक किलो शक्कर ली, और 200 ग्राम मैदा लिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, डोल बना आपको दिखाया था। अब मेरे गुलाब जामुन बन चुकी हैं, देखिए कितनी अच्छी। ये थोड़ा सा एक बीच और बचा है, इसको और बना लेती हूँ। देखिए ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गई हैं, और इसमें लगभग 80 गुलाब जामुन के लगभग बनी है एक किलो मावा में। देखिए कि मेरी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गई हैं, सारी गुलाब जामुन कितनी अच्छी बन गई हैं, स्वादिष्ट बढ़िया देसी घी की गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनी है। हम ये ऐसा ही जैसे मैंने रेसो बनाया है बताया है, ऐसा ही बनाइए। देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ, एक किलो मैंने मावा लिया था और उसमें 250 ग्राम मैदा डाला था, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था जिसमें कोई गुठलियाँ ना रहें, और मैंने 1.25 किलो के करीब लगभग मैंने शक्कर ली थी, एक किलो शक्कर भी ले सकती हैं अपन चाशनी के लिए, और और इसका रेसो ऐसे बना कर बढ़िया आप बनाइए, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं और अच्छे स्वादिष्ट बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए। देखिए दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय, बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।